नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी जावद विधानसभा से निकल के आ रही, जहां पर एक बार फिर समंदर पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली, इस तरह की जानकारी निकल के आ रही है। अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने अपने फेसबुक पेज जो है उसको अपडेट किया है, वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हमारा लक्ष्य जावद की सेवा है, और उसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के झंडों के साथ एक बैनर पोस्ट भी किया है। उससे लगता है कहीं अब कांग्रेस की सदस्यता समंदर पटेल ने ले ली। जिस तरीके से समंदर पटेल की बात करें तो जिस तरीके से लगातार खबरें निकल के आ रही थी कि समंदर पटेल कभी भी कांग्रेस के हो सकते हैं, इसे हम बात करें, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने अपना फेसबुक पेज अपडेट किया और उस अपडेट पर हमारा लक्ष्य जावद की सेवा और साथ ही कांग्रेस के झंडे भी उन्होंने लगाए। ऐसा माना जा रहा है कि अब वो कांग्रेस के हो चुके हैं। कमलनाथ से उनको बड़ा कोई संकेत मिला, उसके बाद अब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए, दो दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट की थी जिसमें श्री जीतू जीराती जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उसके साथ उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और वी डी शर्मा के बड़े फोटो के साथ बधाई दी थी। अब वो कांग्रेस में जो जाने के बाद अब उन्होंने अपना फेसबुक पेज अपडेट किया और वहाँ पर हमारा लक्ष्य जावद की सेवा ये पोस्ट की है। साथ ही अगर बात करें, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि समंदर पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता दें। साथ ही अगर बात किया है तो अब जो कांग्रेस के यहाँ से दावेदार थे जावद विधानसभा से, अगर बात करें सत्यनारायण पाटीदार यहाँ से दावेदार है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो जिस राजकुमार अहिर यहाँ से दावेदार है, अब नया दावेदार के रूप में समंदर पटेल को माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस से बड़ा संकेत उन्हें मिला है, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, जिस तरीके से सिंधिया के साथ वे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे, उसके बाद लगातार जिस तरीके मध्य प्रदेश में हर एक जिले से खबरें निकल के आ रही है कि सिंधिया समर्थक जो थे अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं। इसे बात करें तो जावद विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं।